सर जो है कुछ सवाल करें अब तो बाद में। आई थिंक आज इफ्तिताह हो रहा है और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं अभी चेक करके आपको बताती हूँ, ठीक है ना? थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं? शॉपिंग जो है वो आपकी वाइफ ही करती। अच्छा, कभी आपको अपनी शॉपिंग करने का शौक हुआ? जैसे लोग होते हैं ना, ये बड़ा हटके सवाल है कंटोनमेंट बोर्ड से कि आप अपनी चॉइस की खुद अपने जो पर्सनल शॉपिंग है वो खुद करते हैं, वो भी आपकी वाइफ करती है अपनी पसंद से? मेरी वाइफ ही करती है। सर तो बहुत अच्छे हैं आप, वो जो ले लेती हैं आप पहन लेते हैं? जो ले लेती हैं। दैट्स सो क्यूट। तो उसके अलावा कोई किताबों से शौक? किताब पढ़ने से मुझे बहुत शौक है। और मैं अभी पिंडी में, ऑफ कोर्स थोड़ा सा मसला है, लेकिन इससे पहले तो मैं हर हफ्ते कम से कम एक बुक जरूर, जब तक नहीं पढ़ता था। आपके फेवरेट लिखने वाले कौन? बेसिकली लेटली तो मैंने पिछले 5-6 साल से तो तसव्वुफ को बहुत पढ़ना शुरू किया हुआ है, तो उसके अलावा जो खलील जिब्रान को मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है, उसके अलावा जो करंट राइटर हैं इशफाक अहमद मेरे बड़े फेवरेट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। उनको मैंने, मतलब उनकी शायद बुक्स मैंने दर्जनों दफ़ा पढ़ी हैं, वो एक एक चीज़ इतनी खूबसूरत लिखी हुई है वहाँ पर। और इसके अलावा मुमताज़ मुफ्ती साहब को मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। लवली, ग्रेट। कुदरतुल्लाह शहाब साहब हैं, माशाल्लाह, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के। क्योंकि आपके ख्याल में आज की जनरेशन को इन राइटर्स के बारे में पता होना चाहिए? मेरे ख्याल में होना चाहिए। और आजकल भी अच्छे लोग लिख रहे हैं, सफदर महमूद साहब अच्छा लिखते हैं, जावेद चौधरी साहब अच्छा लिखते हैं, और काफ़ी। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान का जो एक शऊर का सफ़र है ना, वो रुकना नहीं चाहिए। वो डेवलप होता है जब आप अच्छे लोगों की सोबत में बैठें, और मुमकिन ना हो तो अच्छे लोगों की किताबों में पढ़ना भी उनके सोबत में बैठने के बराबर ही है। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात की है सर। और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ। सॉरी, सोनिया बात कर रही हैं? जी। सोनिया फ्रॉम रावलपिंडी। जी सोनिया, क्या हाल है आपके? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। ये बताएं कि मदीना कैश एंड कैरी का छोटा जो लोगो है उस पे क्या लिखा होता है? सोनिया बेहोश हो गई। हेलो सोनिया, आपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। हेलो सोनिया जी, मैंने अभी प्रोग्राम देखना शुरू किया। मुझे बताएं मदीना कैश एंड कैरी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। आई थिंक ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी कॉल में, बहुत शुक्रिया। लास्ट कॉल अभी लेने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है नाज़रीन 10 मिनट रह गए हैं शो ऑफ ख़त्म होने में, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि आप ही के थ्रू जो है ना कुरानंदाजी भी करवा लीजिए। अच्छा सर, ये बताइए जो अभी आपने बात की घूम फिर के, आपके माशाल्लाह बेटे के साथ, क्योंकि आपका इकलौता एक बेटा है, तो उसके साथ आपकी रिलेशनशिप, क्या नाम है उनका? दाइन। दाइन, तो कैसा है आपका, क्या टाइम आप उसके साथ स्पेंड करते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ जो कमिटमेंट्स इन पिंडी। ये सब वालिद की एक अलमिया होता है ना, कि बेचारे सारा वक्त बाहर काम करते हैं। ये है जी। तो बहरहाल उसकी इक्वेशन मेरे से अच्छी है, एंड मतलब लेकिन उसकी वालदा जो है वो टोटली डेडिकेटेड है, मतलब आई मस्ट प्रेज उसकी वालदा ने उसके साथ बहुत टाइम देती हैं उन्हें, और उसकी जो ग्रूमिंग हुई है, जो सारा कुछ है, तो उसमें उनका बड़ा हाथ है सारा कुछ। तो वो टोटली डेडिकेटेड हैं, स्कूल छोड़ने भी जाएंगी, लेने भी जाएंगी, शी इज़ टोटली कंपेनियन है मेरी बेटे का। बस लवली, और यही जो है सपोर्ट जो है उसने आपको इतनी माशाल्लाह कामयाबी दिलाई। हमारे साथ जफर साहब मौजूद है, फहीम जफर साहब, एक गिलगित से कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बात? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं सरताज बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? सरताज अजीज। क्यूट। सरताज साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं? बस ठीक है जी। आज का सवाल का जवाब देंगे कि सवाल कीजिए। MCC का क्या मतलब है? मदीना आगे मदीना सरताज
एमसीसी का क्या मतलब है? मदीना कैशियन सेंटर कैरी 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 मदीना कैश एंड कैरी, बिल्कुल सही जवाब है। अब आपका नाम सरताज अजीज साहब, और आप आई थिंक ये गवर्नमेंट में भी होते थे, बड़े जबरदस्त पर्सनैलिटी सरताज अजीज साहब, अभी भी है। जी जी बताइए, कुछ बात करेंगे? हमारे साथ फहीम जफर साहब हैं। अच्छा, करता हूँ, पूछ रहा हूँ कि इतनी तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या मेहनत के साथ कुछ और भी करना पड़ता है? मेहनत के साथ काफी कुछ करना पड़ता है। अच्छा, क्या मतलब कामयाबी के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक तो मेहनत क्या है ना, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, तो मेहनत के साथ और इखलास हो गया, दूसरे होते ना इस तरह तो क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। ये आपका सवाल है फहीम साहब के लिए ना? हाँ। ओके, अभी आपको जवाब मिलता है सरताज जी साहब, ये आपका नाम की पर्ची ये चली गई, ठीक है ना? दुआ है इनका जरूर निकले गिलगित, वेरी वेरी लवली पीपल वहाँ के, गिलगित बल्तिस्तान चित्राल एंड हुंजा जो है, बड़ी जबरदस्त जगह है ये। ये जो पूछे थे सर, तो कामयाबी के पीछे क्या अखलाक और कामयाबी? कामयाबी बड़ी एक रिलेटिव टर्म है, तो इशफाक अहमद कहते हैं कि हम जिस कामयाबी के पीछे भागते रहते हैं और जब वो मिल जाती है तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हमने भाग भाग के अपनी ज़िंदगी ख़राब की। तो मैं ये समझता हूँ कामयाबी का डेफिनेशन हर आदमी के नज़दीक डिफरेंट है, और किसी ओहदे पर पहुँच जाना कामयाबी नहीं है। कामयाबी जो है वो एक बैलेंस कायम करने में है कि आपको इस दुनिया की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, इन दोनों में एक ऐसा हो कि आप आखिरत की ज़िंदगी को कुर्बान ना करें इस दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए, और दूसरा आपकी ज़ात के अंदर की भी एक दुनिया है उसका सफ़र करें, उसको एक्सप्लोर करें कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है तो अंदर क्या क्या रखा हुआ है इंसान के, जो चीज़ें हैं उनको एक हम एक इम्तिहान की शक्ल में हैं इस दुनिया में, उसको भी देखें। तो कामयाबी जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, और मेरे नज़दीक कामयाबी जो है वो असल कामयाबी यही है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में भी इज़्ज़त अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला आखिरत में भी इज़्ज़त अता फ़रमाएँ। और उसके लिए ये है कि इंसान को हम्बल होना चाहिए, इंसान को लोगों के काम आना चाहिए, लोगों की दुआएँ लेनी चाहिए, और जो भी अपना काम है वो आप खलूस नीयत से करेंगे तो आपकी रोज़ी और रिज़्क हलाल होगा, और कोशिश करें कि जितना भी इंसाफ हो सके, मुकम्मल इंसाफ नहीं हो सकते लेकिन जितना भी हो सके। तो ये एक ज़िंदगी के कुछ असूल हैं जिनको लेकर अगर आप चलें तो मेरा ख्याल है वो एक कामयाबी का रास्ता है, क्योंकि इशफाक अहमद कहते हैं कि कामयाबी से ज़्यादा फलाह ज़रूरी है, फलाह में दुनिया की कामयाबी भी है आखिरत की कामयाबी भी है। तो जो कामयाबी हम मायोपिक सेंस में देखते हैं कि एक आदमी अमीर हो गया तो वो कामयाब हो गया, एक आदमी किसी ओहदे पे पहुंच गया कामयाब हो गया, तो ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी एक बड़े बैलेंस का नाम है कि अल्लाह ताला इंसान को जो नेमतें अता की हुई हैं उनको इंसान अप्रिशिएट भी करे, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करे, अल्लाह ताला का इंसान को जो जो सलाहियतें दी हुई हैं वो मखलूक की खिदमत के लिए, मखलूक की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे। तो मेरा ख्याल है कि वो एक कामयाबी है, वो एक इनर पीस भी उससे मिलता है इंसान। आजकल वैसे जो जो सुनने में जो मैं जितने उठना बैठना जितना कम, मैं सोशलाइज भी कम ही करती हूँ इसी वजह से कि लोगों के लिए पैसा जो है वो मेन अट्रैक्शन बन गया, कि जिसकी जेब में पैसा है या जिसके पास अच्छी गाड़ी है या वो कामयाब है, वो कामयाब है। तो ये तो अब एक वायरस की तरह हमारी सोसाइटी में, इसी चीज को तो बदलने की जरूरत है। कैसे बदलेंगे आपके हाल में? देखें, हम कुछ लोगों को मतून करते हैं कि जी फलाँ ने ये कर लिया, फलाँ ने करप्शन कर ली, फलाँ ने ये बना लिया, वो मतून एज ए सोसाइटी हम सबको करना चाहिए, बिकॉज हम सब ने ग्लैमराइज किया हुआ है उस सारी चीज़ को। हम कभी भी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले अगर हमारे घर के हमसाए किसी ऐसे प्रोफेशन के आदमी से खाना भी आता था ना जिसका ड्यूबियस होता था, तो घर वाले कहते थे कि इसका खाना नहीं खाना। तो अभी तो लोग फखर से बताते हैं कि जी हमने, अब जेल जाना भी फखर क्या है, बात होगी कि जी जेल भी चले जाएं तो बड़े आप ग्लैमरस हो जाते हैं और बड़ा अच्छा नॉर्मल समझा जाता है। तो किस चीज से हमें फर्क पड़ता है फहीम साहब? हमें तो मुझे लगता नहीं है किसी चीज से अब फर्क पड़ता है। हाँ, मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है ना इस माशरे में, कि वो
अच्छे लोगों को अप्रिसिएट नहीं किया जाता और बुरे लोगों को मतून नहीं किया जाता और बल्कि वाइस वर्सा है, ठीक है। तो वो जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा अच्छे लोग ऊपर कभी नहीं आएंगे। फहीम साहब, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। टाइम का पता ही नहीं चला, एक सवा घंटा जो है पता ही नहीं चला नाज़रीन आज तो। अब थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अब जो है इंशाल्लाह रात में नाज़रीन शो रिपीट में 11 बजे देखिएगा। सर कुछ अच्छा सा पैगाम देना चाहते हैं अपने देखने वालों को? बस बात यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं एक सोसाइटी के एक छोटा सा हिस्सा जो हमारी जिम्मेदारी में है उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। तो लोगों को भी चाहिए कि वो कोऑपरेट करें, ख़ासतौर पर सफाई के मामले में। मुख्तलिफ सदर में पार्किंग के हवाले से हम कुछ एरिया अभी पेडेस्ट्रियन जोन करने लगे हैं। लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी, जो गाड़ियों मोटरसाइकिल्स वाले हैं उनको पार्किंग में खड़ा करके शायद थोड़ा सा चलना पड़ेगा। तो चलने की आदत अच्छी है, हम माहौल कंड्यूसिव बना रहे हैं, डस्ट नहीं होगी, वॉकवेज अच्छे हैं, लाइटिंग अच्छी होगी। तो वो सदर में गाड़ियों पर जो आने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा है कि अगर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस हो तो उसको जस्ट आप एक इग्नोर करके थोड़ा सा देखें कि कॉज एक अच्छी है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसमें कोऑपरेट करें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, एंड आपकी जो फ्यूचर एंडेवर्स है उनके लिए हम सब की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो फहीम साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन फहीम साहब थे आज, फहीम जफर खान साहब जो कि CEO हैं जो रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड है, इनकी बड़ी अच्छी सोच है और हम मिलके इनका साथ जब तक नहीं देंगे, जो रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड है उनके साथ मिलके कोऑपरेट नहीं करेंगे, अपनी तरफ से भी थोड़ा जो है इनिशिएटिव नहीं दिखाएंगे, तो हमारी जो माहौल है उसको बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेगा। सो वंस अगेन आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन आज का ड्रेस जो है सब प्लीज़ तशरीफ रखें। नाज़रीन अभी जो है हम कहीं नहीं जा रहे, अभी हमारी फोटोग्राफी भी होनी है। आज का ड्रेस आपको दिखा दूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है लैला अशरफ का, देख सकते हैं आप, वेरी नाइस गोल्ड एंड ब्लैक का बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन था। उनका शुक्रिया फॉर स्पॉन्सरिंग क्लोथ फॉर द होल वीक यानी 4 days। अब नाज़रीन 3 दिन जो है उसमें, पिछले 3 दिनों में मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मैं गई थी, मरी गई थी उसके अलावा ऐसी घूमने फिरने के लिए, उसके बाद वापस आई, फिर इधर उधर मैंने अपने एरेंट्स किए। अब कल भी, कल परसों तरसों का हाल अहवाल आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन। आपने ये करना है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना, और ये कि थोड़ा सा जो है सब्र तहम्मुल से काम लेना है। और गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो कोई बात नहीं है, गर्मी की वजह से अब ये तो नहीं कि आप जो है ना ड्रैगन बन जाए। तो ये कि अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें, और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी आफ्टर 3 days हॉलीडे, ठीक है ना जी। टेक केयर, अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी ख्याल रखें और सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। देखा ये जादुई वो थी, मूव थी फहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, हमने मिलके कहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।